एशियाई सिल्वर मेडलिस्ट सुमित सांगवान पर एक साल का बैन हटा दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल की सुनवाई के दौरान यह साबित कर दिया कि बॉक्सर ने प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन अनजाने में किया था भारतीय मुक्केबाज नाडा को यह समझाने में कामयाब रहे कि जिस टेस्ट में यह प्रतिबंधित पदार्थ मिला उसका प्रयोग उन्होंने अनजाने में किया था एसिटाजोलिमिट के प्रयोग के बाद वो टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे एसिटाजोलिमिट को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 2019 के प्रतिबंधित पदार्थ की लिस्ट में शामिल किया था जिसके बाद इक्यानवे किलोग्राम वर्ग के बॉक्सर को दिसंबर 2019 में एक साल के लिए बैन कर दिया था